सो गाइस, क्या आप जानते हो कि डिफ्यूज और डिफ्यूजन में क्या फर्क है? नहीं जानते तो देखिए आज की वीडियो। आज हम करने जा रहे हैं वो कैप विद ट्रिक्स हैश डी, यानी से डी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, हमारा आज का फर्स्ट वर्ड है डॉब। डॉब को हमने रिलेट किया है धोबी के साथ, क्यों किया है? देखो, डॉब का मीनिंग होता है स्पॉट या स्मियर, यानी कि जैसे हम बोलते हैं कि दाग, है ना। तो डॉब इसको हम रिलेट करते हैं कि धोबी के साथ। तो धोबी क्या करता है? कोई भी स्पॉट होता है हमारे कपड़े पर, कोई भी दाग लगा होता है, उसको उतारने का काम करता है धोबी। तो डॉग रिलेट करेंगे धोबी के साथ, मीनिंग है इसका स्मियर या फिर स्पॉट, याद करना इजी होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेब्यू। डेब्यू को हम डेब्यू के साथ रिलेट करेंगे। गाइस, हमें पता है कि हम मूवीज में आम ही वर्ड सुनते रहते हैं कि डेब्यू शॉट, तो हम सुनते रहते हैं। तो इसका मीनिंग भी क्या है? समथिंग परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम, जो हम फर्स्ट टाइम परफॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं डेब्यू। तो ये याद करना ईजी है। नेक्स्ट है हमारा डेसिफर। डेसिफर का मीनिंग होता है डिकोड करना। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? देखो, डेसी को हमने बना लिया डेसिमल, और फिर डेसिमल को फिर हमने क्या कर दिया? बाइनरी लैंग्वेज में चेंज कर दिया, या फिर किसी ऑक्टा में चेंज कर दिया, किसी में भी, यानी कि डेसिमल को फिर कर दिया किसी और लैंग्वेज में चेंज। तो चेंज करने को हम क्या बोलेंगे? डिकोड कर दिया, यानी कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में चेंज करने को हम बोलते हैं डिकोड करना। तो डेसी को फिर चेंज करके क्या बना दिया उसका हमने? डिकोड कर दिया। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेफरेंस। डेफरेंस को हम दो तरीके से याद कर सकते हैं, एक तो डिफरेंस, एक रेफरेंस। देखो, अगर हम किसी के रेफरेंस से बात कर रहे हैं तो हम उसको रिस्पेक्ट देकर बात करेंगे, जैसे कि श्रीमान जी या श्रीमती जी ऐसे हैं वैसे हैं, उसके रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अगर डिफरेंस से याद करें तो डिफरेंस यानी कि एक बड़ा है एक छोटा है, जो छोटा है वो हमेशा एक बड़े की रिस्पेक्ट ही करेगा। तो इस तरीके से याद कर सकती है डिफरेंस। इसका मीनिंग क्या होता है? रिस्पेक्ट करना। रिलेट करेंगे हम इसको डिफरेंस से या फिर रेफरेंस से। नेक्स्ट है हमारा डिफेंड। डिफेंड को हमने कैसे रिलेट किया है? डिफाइन डेफ यानी कि डिफाइन आर्ट, यानी कि डिफाइन आर्ट, यानी कि कोई पर्सन किसी पर्सन को एज अ डिफाइन कर रहा है आर्ट, यानी कि किसकी तरह की आर्ट की तरह, चींटी की तरह अगर किसी को डिफाइन कर रहा है तो क्या कर रहा है? वो डिसऑबिडेंट है, यानी कि वो क्या कर रहा है कि उसकी बेइज्जती कर रहा है। वो पर्सन क्या है? डिसऑबिडेंट पर्सन है। तो इस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफॉरेस्टेशन। गाइस, इजी है वर्ड। डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग क्या होता है? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। तो रिलेट करेंगे इसको डी प्लस फॉरेस्ट। फॉरेस्ट तो फॉरेस्ट जंगल, डी यानी कि उनको काटना, इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। फॉरेस्ट को काटना यानी कि कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। तो ये क्या है? डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट है हमारा डिफ्यूज। कैसे रिलेट करेंगे? डी प्लस फ्यूज। देखो, फ्यूज का मीनिंग होता है जुड़ना या फिर जुड़ना या जोड़ना, ठीक है। फ्यूज का मतलब यानी कि फ्यूजन, यानी कि जुड़ना या फिर जोड़ना, यानी कि अगर हमने उस जुड़ी चीज़ों को अलग अलग कर दिया, यानी कि मान लो कि कोई चीज़ है वो स्पार्क कर रही है, यानी कि दो तारे हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गई, वो स्पार्क कर रही है, उसको शांत करने के लिए क्या करेंगे हम? उसको डी कर देंगे, यानी कि उसको साइड कर देंगे, यानी कि किसी फ्यूजन चीज़ को हमने साइड कर देना। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? शांत हो जाना, यानी कि रिड्यूस टेंशन। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिल्यूज। डिल्यूज को हमने थोड़ा सा चेंज करके रिलेट किया है। देखो, डेल यानी कि हम बोलते हैं दिल्ली को, तो यूज हमने बना लिया ह्यूज, यानी कि दिल्ली ह्यूज। दिल्ली में ह्यूज क्या है? पानी, यानी कि बाढ़ आई है, इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं। देखो, दिल्ली में ह्यूज क्या हुआ है? बाढ़ आई है, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ रेन आई है। तो उससे क्या किया कि बाढ़ के साथ हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिलेट करेंगे डेल यानी कि दिल्ली, और ये ह्यूज को हमने बना लिया ह्यूज, दिल्ली ह्यूज, इस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेमोग्राफर। तो इसको कैसे याद करेंगे गाइस? देखो, डेमो का मीनिंग होता है पीपल या पॉपुलेशन, इस तरीके से हम इसको रिलेट करते हैं। ये एक रूट वर्ड है, याद करना इजी होगा इससे। डेमो का मीनिंग होता है पीपल या फिर पॉपुलेशन से रिलेट कर सकते हैं। और ग्राफ, देखो ग्राफ क्या होता है? हमेशा बढ़ता या कम होता रहता है, जैसे कि ग्राफ कभी भी सीधा नहीं होता, हम देखते हैं कभी वैल्यूज कम होती है कभी ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से क्या है? पीपल की वो वैल्यूज या फिर वो नंबर्स जो बढ़ते या कम होते रहते हैं, तो उसको है किसको? पॉपुलेशन की बर्थ को। तो पर्सन हु स्टडीज चेंजेस इन द नंबर ऑफ बर्थ्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेमोग्राफर। नेक्स्ट है हमारा डिनाउंस। डिनाउंस को हमने रिलेट किया है डी प्लस अनाउंस। देखो, इसको हम कैसे रिलेट करेंगे? देखो, मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस थी, किसी ने अनाउंस कर दिया, फर्स्ट पे मान लो मैं हूँ, सेकंड पे कोई और है, थर्ड पर कोई और है, लेकिन बाद में क्या हुआ? उसने डी कर दिया, इनकी चेंज करके क्या बोल दिया कि आप लास्ट पर हो या आप थर्ड पर हो,
जो सेकंड पर्सन वाला था वो फर्स्ट पर है, तो उन्होंने क्या कर दिया, डीनाउंस कर दिया। तो उससे क्या हो गया, मुझे क्या होगा, क्रिटिसाइज फील होगा या फिर मुझे मेरी बेइज्जती फील होगी कि मैं पहले तो फर्स्ट पे आ रही थी, इन्होंने चेंज करके कोई घपला किया और क्या कर दिया, मुझे सेकंड पे कर दिया। तो अनाउंस किया था पहले कुछ और, उसको चेंज करके क्या कर दिया, हमारी बेइज्जती कर दिया। कि किसी को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करना उसको बोलते हैं डिनाउंस करना। नेक्स्ट है हमारा डेप्लोरेबल। डेप्लोरेबल को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, देखो डेप है तो डीप बना लिया, लो की आवाज आ रही है तो हमने लो बना लिया, एबल है तो एबल बना लिया, डीप लो एबल, यानी कि एक पर्सन तो लो है और एक के बहुत ही ज्यादा लो है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेरी बैड। तो याद करना इजी होगा, डीप लो एबल यानी कि बहुत ज्यादा लो होना, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वेरी बैड। नेक्स्ट है हमारा डिपोजिशन। डिपोजिशन को हम कैसे रिलेट करेंगे, डी प्लस पोजिशन। पोजिशन किसी की थी उसको डी कर दिया यानी कि उसको नेगेटिव में बना दिया, यानी कि रिमूविंग समवन फ्रॉम हिज पोजिशन या रिमूविंग समवन फ्रॉम हर पोजिशन, किसी को उसकी पोजिशन से रिमूव करना या उसको बोलेंगे हम डिपोजिशन। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं डिपोजिशन ऑफ सॉइल, हम आमतौर पर यूज़ करते हैं, यानी कि एक सॉइल का अपनी जगह से हट जाना, तो किसी का अपनी पोजिशन को छोड़ना, उसको हम बोलेंगे डिपोजिशन, रिमूविंग समवन फ्रॉम हिज और हर पोजिशन। नेक्स्ट है हमारा डीरेल। डीरेल को हम कैसे रिलेट करेंगे, डी प्लस रेल। देखो रेल को हम बोलते हैं पटरी को, रेलवे से याद करेंगे ना, रेलवे स्टेशन रेल, तो इससे देखो पटरी, डी, डी का मतलब क्या था, उसका ऑपोजिट। देखो किसी ट्रेन का उसकी पटरी से उतर जाना, रेल का किसी ट्रेन का उसकी रेल से नीचे उतर जाना, तो वही टू कम ऑफ द रेलवे ट्रैक, यानी कि पटरी से नीचे उतर जाना ट्रेन का, उसको हम बोलेंगे डीरेल। नेक्स्ट है हमारा डिसेक्रेशन। इसको कैसे याद करेंगे, डी प्लस सेक्रेशन को हम करेंगे सेक्रेट। सेक्रेट होता है पवित्र होना, तो क्या है डी, देखो पवित्र है पर उसके आगे डी लग गया, यानी कि ऑपोजिट, यानी कि किसी को ट्रीट करना, ट्रीटमेंट ऑफ समथिंग सेक्रेट विद डिसरिस्पेक्टफुल। सेक्रेटली तो किसी को ट्रीट करना, लेकिन उसको किसके साथ करना, डिसरिस्पेक्ट के साथ करना, यानी कि उसको एक नेगेटिव वे में एक सेक्रेट वर्ड को लेके जाना, उसको हम बोलेंगे डी सेक्रेशन। सो गाइस हमारा नेक्स्ट वर्ड है डेस्पिरेट। इसको हम किस तरीके से याद करेंगे, देखो डेस्पिरेट को हमने थोड़ा सा चेंज करके बनाया, डेस्क को हमने बना लिया डेस्पिरेट। तो मान लो कोई ड्रेस थी वो 1000 रुपये की थी जब हमने पहले देखा था, और अब वो 400 या 500 की है, तो हम क्या करेंगे, उसको लेने के लिए हमारा दिल बेकरार हो जाएगा कि डिस्काउंट मिल गया तो हम लेते हैं। तो वही है, ड्रेस पे रेट कम होने के कारण क्या हो गया, फीलिंग इन्वॉल्विंग ग्रेट विलिंगनेस, यानी कि हम बेकरार हो गए उस चीज़ को लेने के लिए। नेक्स्ट है हमारा डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल को हमने कैसे याद करेंगे, देखो एक तो है देश पे करप्शन, केबल को हमने बना लिया करप्शन, अगर यहाँ से नहीं याद होता तो हम सेकंड पिक को कर रहे हैं। देखो डेस्क को हमने बना लिया दिस पिक एबल, यानी कि कोई प्रोफाइल पिक थी मेरे लिए तो वो एक एबल थी, लेकिन बाकी सबने क्या कर दिया, उसको नेगेटिव शो कर दिया, यानी कि डिसरिस्पेक्ट कर दिया कि नहीं ये प्रोफाइल पिक नहीं लगानी, तो उससे क्या हो गए, हम क्या हो गए, अनप्लीजेंट हो गए। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिटेंटी। इसको कैसे याद करेंगे, द प्लस टेंट। देखो द प्लस टेंट, तो इस तरीके से इसको याद करना इजी होगा। इसका मीनिंग क्या है, ईज ऑफ हॉस्टिलिटी बिटवीन कंट्रीज। तो इस हॉस्टिलिटी मतलब हॉस्टाइल, हॉस्टाइल हम जब एच वर्ड आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कि हॉस्टाइल क्या होता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, डिटेंटी यानी कि द टेंट, ईजिंग ऑफ हॉस्टिलिटी बिटवीन कंट्रीज, यानी कि दो कंट्रीज में हॉस्टिलिटी यानी कि हॉस्टाइल बिहेव होना। नेक्स्ट है हमारा डेट्रेंट। डेट्रेंट को हम बोलेंगे दे तेरा रेंट, यानी कि दे तेरा रेंट। मान लो कि कोई पर्सन था वो रेंट नहीं दे रहा था, पहले तो हम उसको एनकरेज कर रहे थे, ये कहते कि बाद में रेंट दे देना, लेकिन आज हम कह रहे हैं अभी मुझे तेरा रेंट दे, तो वो क्या हो गया, डिसएनकरेज हो गया, तो डिसएनकरेजमेंट फ्रॉम एक्शन। नेक्स्ट है हमारा डेट्रीमेंटल। तो इसको हमने बना लिया ट्राई प्लस मेंटल। देखो अगर हम कोई भी चीज़ मेंटल के साथ ट्राई करने के लिए करेंगे तो वो की क्या चीज़ होगी, वो होगी हार्मफुल। तो डेट्रीमेंटल मीन्स हार्मफुल। नेक्स्ट है हमारा डिफ्यूज। डिफ्यूज देखो डी प्लस फ्यूज। फ्यूज हमने पढ़ा था कि अगर दो चीज़ें इकट्ठी हो जाती है तो फ्यूज का मतलब जोड़ना है ना, या जुड़ना, तो इकट्ठी हो जाती है, अगर उसको हम अलग अलग कर दें तो वो क्या हो गया, सेपरेट हो जाएगा। देखो वो था डी ई, यानी कि उसको हमने शार्क बोला था, वो DIFF हो गया, उसका मतलब क्या है, स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया। सो गाइस आज हमने किए हैं पार्ट 2 के 20 वर्ड्स, यानी कि टोटल हमारे हो गए 40 वर्ड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट में भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।